हजार लफ्जों में कहां दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, तो मैं अभी टूवेल से मिलना है ना? टूवेल के पास जाऊंगी। तुम खुद चल सकती हो? तो मेरे साथ होगे तो अच्छा होगा। रुक जाओ, पैच वर्क कर दूंगी मैं तुम्हारा। टूवेल तुमने बहुत अच्छे डिजाइन बनाए। दीदन तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मुराद, मैं इस लड़की के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए तुमसे। पहली बार मैंने तुमसे कुछ मांगा था और अब मुझसे माफी मांगने के बहाने ढूंढ रहे हो तुम। हाय, ये हमारे घर में कैसी आफत आ गई थी फरीदे, वो तो हमारे घर को बर्बाद करके चला गया जलजले की तरह। क्या हलचल मचा दी, बहुत ताकत है उनमें, जवान में भी क्या होगी। हाय क्या बात है, तू अभी भी उसकी तारीफें किए जा रही है? तूने देखा नहीं कि उसने हमारे घर की क्या हालत कर दी है? पता नहीं क्या करके गया है। पानी खोलो तो बिजली चली जाती है, बिजली खोलो तो पानी चला जाता है। क्या कहने हैं उनके, इतनी मुख्तलिफ सोच रखने वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं होता। हाँ फरीदे, शादी के बाद, अगर शादी के बाद इसने यही सब कुछ किया तो सोच ले के घर की क्या हालत होगी, और ये सब कुछ तुझे ही झेलना होगा। सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे तो ये सोच सोच के हौल उठ रहे हैं कि तेरा क्या होगा। देख ले फरीदे, मुझे तो ये आदमी पूरा पागल लगता है। पागल नहीं, वो तो हीरो है, हीरो। क्या एंट्री देते हैं आने पे। रुक रुक, रख फोन, मेरी बात ध्यान से सुन ले फरीदे। अगर ये फोन उसी का हुआ और तूने उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, कौन? अरे इबू कैसे हो तुम? हाँ हाँ जगह है, बिल्कुल है, तुम आ जाओ मेरे घर। अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ तुम। चलो खुदा हाफिज। किसका फोन था? इबू का। इब्राहिम, मेरा भतीजा। हाँ, तूने बताया था वो लड़का जो दिमाग से थोड़ा सा पागल हो गया था, उसी की बात कर रही है ना तू? क्या हुआ, ठीक हो गया वो? क्या बताऊँ मैं आपको, जवान जहान लड़का है, वैसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, बस थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। अभी तो थोड़ा बेहतर हो गया है, वरना पहले तो पूछिए ही मत। अच्छा, अभी है कहाँ वो? इसी शहर में है, कह रहा था मिलने आएगा मेरे घर। मैंने भी कह दिया आ जाओ, अच्छा बच्चा है। आह, क्या बात है, मेरे खुदा, उसको भी यही वक्त मिला था यहाँ पर आने के लिए। थोड़ा वो पागल, थोड़े से हम सब पागल, पूरा पागल खाना बनेगा अब ये घर। हो अब सब खुदा के हवाले। आमीन। हेलो,
कैसी हैं आप? पहले मिल लो। अलहांद्रो, आज शाम के लिए ये मेरे पार्टनर हैं। ये एक अजीम इंसान है और बहुत नाजुक भी। हेलो, हाय। इसके खिलाफ कोई कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं देता, बस चुप करके खड़ा रहता है। हमेशा की तरह यहाँ खड़े होकर हमें रुक कर इंतजार करना होगा। मेरे ख्याल से इंतजार खत्म हो चुका है, वो आ चुका है। कैसे हैं आप सब? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे ध्रुव सर। मुझे लगा था कि तुम पार्टी में अकेले आओगे। सार्टे कंपनी की क्वीन को कैसे नहीं लेके आते? कैसी लग रही हैं ये? इसमें कौन सी बड़ी बात है, जरूर ये टूवल नहीं डिजाइन किया होगा। इसमें पहनने वाले का भी बहुत हाथ होता है। चलो अंदर चलते हैं अब। यस। चलो चला। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, गुस्सा इस बात का नहीं, कैसे बताऊं असली में। उन्होंने कभी भी मुझे प्यार दिया ही नहीं, उनको कभी भी इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि मैं क्या कर रही हूं, कहां हूं, मैं जिंदा भी हूं कि मर गई। उन्होंने मुझे अपनी औलाद समझा ही नहीं। असली क्यों नहीं करते मुझसे प्यार मेरे बाबा? ऐसा मत सोचो तुम आईपैक, सबके बाबा बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स तुम्हें ना बता पाते हो, उन्हें भी बुरा लगता होगा ये सब कुछ करके। खुश तो नहीं होंगे ना वो? मेरा दिल मत बहलाओ तुम असली। अपने बेटे के सामने तो हर एक चीज का इजहार करते हैं, तो फिर मेरे साथ क्यों ऐसा? अगर वो सिर्फ अपने बेटे की परवाह करते हैं तो ऐसा बाप मैंने पूरी दुनिया में ही देखा। चलो छोड़ो इन बातों को असली, हयात को मेरी इन बातों के बारे में मत बताना, वो पहले ही परेशान है ये सुनकर और हो जाएगी। हाँ तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं बताऊंगी मैं। अच्छा खैर जो भी है, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप भूल जाओ जो हुआ। चलो आंटी ने बहुत अच्छी चाय बनाई है, उनके साथ चलकर बैठते हैं, तुम्हारा भी दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाँ नहीं तुम जाओ, मैं करीम से बात करके आती हूँ, सुबह से मैसेज कर रहा है मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन बात करने के बाद तुम वहां हमारे पास आ जाना। ओके हेलो। हाँ पागल आदमी बोलो, सुबह से मैसेज करके मेरी मेमोरी फुल कर दी है, मालूम है 50 मैसेज किए हैं। अच्छा चलो आप जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ है, कोई बैड न्यूज सुनानी है मुझे? नहीं तो तुम्हें ऐसे क्यों लगा? आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत बकवास और बुरा दिन था आज का। तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया इसलिए भी परेशान था थोड़ा। मैं ठीक हूँ, बहुत जबरदस्त हूँ, आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। और वैसे भी करीम तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एपिक तुम ये याद रखा करो कि हीरो जो होता है दरअसल वो भी तो बहुत परेशानियां फेस करता है, अगर परेशानियां ना हो तो हीरो किस काम का, क्या करेगा वो जिंदगी के अंदर।
कौन सी मूवी देखी है? बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला है। अगर इतना ही हीरो बनने का शौक है तो चांद पे चले जाओ जैसे फिल्मों में होता है। वो तो सब फिक्शन की बातें होती हैं। हर परेशानी का हल जरूर होता है एपिक। मजाक कर रही थी मैं। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? हाँ, एक बात और कहनी थी तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अब भाग जाओ तुम। बाय। ओके बाय। वैसे एमिने आंटी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। आपने तो कुछ पूछे बगैर ही उसे जाने की इजाजत दे दी। हैरान कर दिया, वरना तो कितने सवाल करती थी ना आंटी। मैं क्या बोलूं, हयात जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है। और मैं वैसे भी किसी को परेशान नहीं करती। ये सही कहा। मेरी बेटी अपना काम बड़े दिल से करती है और उसकी ये मदद करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, मैं ये सब कुछ इसलिए करती थी हयात के साथ कि मुझे उसकी फिक्र रहती है, मगर मेरा ये हरगिज मतलब नहीं होता कि मैं उसे परेशान करूं। लेकिन उस दिन जो उसने मुझ पे गुस्सा किया, आज मैंने कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। उस दिन तो ऐसा लग रहा था सबका दिमाग घूम गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ना। बिल्कुल। और अभी हम पूरे पागल होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा भतीजा भी तो यहाँ आने वाला है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? वैसे उसका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम नाम है उसका। कौन है ये? कौन आ रहा है अब यहाँ पर? जो आ रहा है क्या वो पागल है? हाँ पागल है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग चलता है उसका, बिल्कुल थोड़ा सा। वैसे इलाज हो चुका है, फिक्र की बात नहीं। हाँ। सारे पागल एक ही छत के नीचे जमा होंगे। अच्छा एक बात बता, वो जो टेबल है उस पे तुम्हें किसकी कमी नजर आ रही है? टुअल, तुम जैसी एक्सपर्ट हो तो हमें सोचने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा। सब टेक्सटाइल के लोग एक जगह इकट्ठे हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ वहाँ किसकी कमी है। The only टुअल यूनिकोलो की कमी है वहाँ पर। अलहांद्रो, जाओ जाकर पार्टी में थोड़ा घूमो फिरो ना। और हयात, तुम अपने पार्टनर के साथ ही रहना। चलो आओ मेरे साथ। आपकी बात कोई टाल सकता है भला टुअल मैडम? इंट्रोडक्शन दो मेरा। इनसे मिलिए सार्टे की बेस्ट डिजाइनर टुअल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई टुअल मैडम। कैसी हैं? आपसे मिलकर और ठीक हो गई हूँ। हाँ, क्या आप इन खूबसूरत लेडी से हमें नहीं मिलवाएंगे दुरुक साहब? तो क्या सार्टे ने नई मॉडल रख ली है? ये मेरी असिस्टेंट है, कोई मॉडल नहीं है। ओके। हाँ लेकिन मेरा नाम तो है ना, मैं हायर प्रैक्टिस हूँ। मिलकर खुशी हुई मुझे। वॉशरूम किस तरफ है चुअल मैडम? द्रुप, तुम चाला मैडम को वॉशरूम का रास्ता दिखा दोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल चलिए। बॉस के सामने मैं गीबत नहीं कर सकती। चले अब थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। क्यों नहीं। आज बहुत खुश लग रही हो तुम। दुखी होने की मुझे क्या जरूरत है? यह ड्रेस टुअल ने डिजाइन किया है। आप क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कहा तुमने? इस सूट में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये और भी अच्छा लगता आप पे।
अगर दीदम भी आपके साथ यहाँ होती इस पार्टी में। हयात, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ऐसे ही बता रही थी। क्या आपकी असिस्टेंट के साथ डांस कर सकता हूं मैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इन्हीं से पूछ लीजिए। हयात प्रैक्टिस, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? जी क्यों नहीं। खैरियत तो है मीजान, मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ? मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है निजात। शादी होने से पहले ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? और दारिया को तो देखो जरा, उसके साथ ऐसे बातें कर रही है जैसे वो बहू बन चुकी है। मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन वो तो बहुत ही बेशर्म है भाई। शाम से रात होने को आई, मगर ये जा ही नहीं रही। अदब और लिहाज तो है ही नहीं इसे। हमारी किस्मत फूटने वाली है निजात, अब अल्लाह ही बचाए हमें। मुराद से कोई गलती हुई है जिसकी ये सजा बन के आई है उसकी जिंदगी में। वैसे एक आपस की बात है अम्मी जान, मुझे भी ये लोग समझ में नहीं आए। इन लोगों के साथ जितना अच्छा सलूक करो इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मुझे तो लगता है पागल हो जाएंगे हम लोग। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है, हमारी मदद कर, निकाल हमें इससे। छोड़े, परेशान ना हो, बैठिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने असिस्टेंट को लेके जा सकता हूँ, हमें किसी से मिलना है। क्या सच में? किससे? आओ मिलवाता हूँ। आपकी असिस्टेंट बहुत हसीन है, ख्याल रखिएगा कोई चुरा ना ले इन्हें आपसे। इतना हसीन चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। आपने इन्हें यहां लाके बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। वैसे मुझे रिस्क लेने में मजा आता है। थैंक यू। क्या हुआ? किससे मिलवाना चाहते थे आप मुझे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ और बच्चों जैसी हरकतें मत करो, और इन लोगों को ज्यादा फ्री मत करो। जितने अच्छे नजर आ रहे हैं उतने ही बुरे हैं अंदर से। ये लोग बिल्कुल भी मेरी तरह मासूम और शरीफ नहीं है, याद रखो। मासूमियत तो आपकी ऐसी है कि मेरी आंखें भर आई हैं। मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी अच्छी सास दी। मैं भी बहुत खुश हूँ दीदम।
कि तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की हमारे घर की बहू बन रही है। खुशी की बात है, तुम भी बहुत खुश होंगी। ये क्या है? क्या ये वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या हो गया दीदम? इस लड़की से मेरी खुशियाँ नहीं देखी जाती, ये मेरी खुशियों की दुश्मन है। मुझे तो लगता है शादी से पहले ही कुछ गलत होगा। ये लड़की हमेशा ही मुराद के पीछे पड़ी रहती है। मैं अपने शोहर को खो दूंगी, आप खुद ही देख लें। ये तो मुराद की नहीं असिस्टेंट है ना? हाँ, असिस्टेंट की असिस्टेंट कहें या फिर उसे कहें पर्सनल असिस्टेंट। आपको पता है इस लड़की की वजह से हमारी कितनी लड़ाइयाँ हुई है और इसी की वजह से हमारा ब्रेकअप भी हुआ है कई बार। लेकिन अब नहीं, ये लड़की मुराद को अब इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती। फिलहाल रिलैक्स हो जाओ तुम और मेरी बात गौर से सुनो। अभी अभी तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, दोनों फैमिलीज आपस में मिल चुकी हैं और मुराद भी तुम्हारे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। बस उसे लॉक करना बाकी रह गया है। तुम कोई भी बेवकूफी करके उसे अपने हाथ से खो मत देना। ये तो ठीक कह रही हैं आप। मैं तो आपके इस आइडिया की फैन हो गई हूँ, मेरी स्मार्ट मॉम। वैसे मैं शादी के बाद एक साथ रहने के लिए मना नहीं सकी। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ दीदम, परेशान मत हो, बस जैसा मैं कहती जाऊँ वैसा करती जाओ तुम। उसके बाद मुराद तुम्हारे कदमों में होगा। जी बिल्कुल, मैं तो खुशी से आपकी हर बात मानूंगी। आप तो मेरी मॉम से भी बढ़कर हैं। आपसे मिलकर तो मेरे दिल को तसल्ली मिल गई, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। हाँ, अब सुकून मिला मुझे। कोई तो मेरी प्रॉब्लम समझता है, बताइए क्या करना है। कंट्रोल लूज कर रहे हो, काम डाउन। जो चीज मैं लूज नहीं करना चाहता था वो तो मैं लूज कर चुका हूँ टूअल। ऐसा तुमने चाहा था, भूलो मत। क्या मैंने तुमसे कोई मशवरा मांगा है? हाँ? तो अपना गुस्सा दिखाना चाहिए था ना, उससे पहले शर्तों वाली गेम में फंसाना नहीं चाहिए था। मुझे क्या करना है और क्या नहीं है मुझे बताने की जरूरत नहीं है टूअल। क्या कहना चाह रही हो कि मेरी गलती है? रिलैक्स हो जाओ। जिंदगी कोई खेल नहीं है टूअल, कि हर गलती के बाद आपको एक नया चांस मिले। मैंने क्या कहा है? दोनों देखो अपना हाल जरा, आंखों में आंखें डाल के। मुसीबतें झेल रहे हो तुम दोनों। मुसीबतें? मुझे तो वो किसी मुसीबत में नजर नहीं आती टूवल। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि तुम्हें मैं इस पार्टी में लेके आया। वाह। ओके ठीक है, तो फिर मैं आपको अकेला छोड़ देती हूँ शर्मिंदगी के साथ बॉस। गुड बाय। टूअल क्या हो गया, रो क्यों रही हो, इस तरह से कहाँ जा रही हो? तुम्हारे भाई को नहीं पता वो क्या बोलता है। मेरी पार्टी खत्म हो चुकी है, आप लोग एंजॉय करें। अरे यार एक मिनट मेरी बात तो सुनो।
वैसे मुराद सर, हम चाला मैडम को भी घर छोड़ सकते थे। वो कह रही थी कि उसका भाई उसे लेने आएगा, लेकिन हमारी अमानत अमानत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं करीम, लेकिन मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ऑलरेडी देर हो चुकी है। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, क्यों मुराद सर? हाँ, हो सकता है कि ये चाह रही हूँ कि आज इन्हें कोई और घर छोड़ दे, क्योंकि आज तो ये पार्टी की जान थी। ये सब टूवल मैडम के ड्रेस का कमाल है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हयात, क्या मैंने ये कहा कि तुम पार्टी में सबसे अच्छी लग रही थी? आप कुछ भी सोचे या कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुरुख सर ने कहा था कि मुझे सार्टे कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव बनके जाना है, तो मैं तो बस अपनी जॉब कर रही थी। तो क्या ये भी तुम्हारी जॉब का हिस्सा है कि तुम गैर मर्दों के साथ डांस करो? क्या बहुत बुरा लगा आपको? वो जानते ही नहीं। या फिर मुझे डांस से रोकना भी आपका कोई गेम होगा? नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ कर मैं इसीलिए ले आया कि तुम किसी परेशानी में ना पड़ जाओ। इतनी फिक्र नहीं किया करें आप मेरी। करीम, मुझे यहीं पर उतार दे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से घर। नहीं नहीं, मैं आपको आपके घर ही छोड़ूंगा, वरना मेरे लिए बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। इस हील वाली जूती ने पांव थका दिए मेरे, मुझे आदत ही नहीं है ये पहनने की। ऊपर से पता नहीं सारी टैक्सीज कहां मर गई हैं, नजर ही नहीं आ रही हैं। आह, ओह, ओह, बस इसी की कमी रह गई थी। उफ, क्या मुसीबत है, कैसे जाऊंगी मैं? उफ, उफ, आह। तुम फिर से आ गए? जी हाँ, फिर से। तुम खुफिया पुलिस में तो नहीं हो, हमेशा सड़क पर ही नजर आते हो। असल में होता यह है कि मैं शालू के साथ वॉक पर आता हूँ और हमें तुम मिल जाती हो। वैसे तुम इस वक्त यहाँ कहाँ घूम रही हो? अभी तो 12 बजने में काफी वक्त है। मैं कोई शौक से नहीं घूम रही हूँ, टैक्सी ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही, घर जाना है मुझे। अच्छा तो आप घर जा रही हैं, शूज उतार कर। नहीं, पांव दुख रहे थे इसलिए मैंने शूज उतार दिए, ऊपर से कुछ पांव में लग भी गया है। मैं हेल्प कर दूं आपकी? बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आ। तो तुम्हें जरूरत नहीं है, कहीं तुम ये तो कहना नहीं चाह रही कि जख्म सही से गहरा नहीं हुआ? अब ऐसा तो मत बोलिए आप, पहले ही मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, डॉक्टर हूं मैं, देख लें फिर शालुक आपको टैक्सी तक बिठा कर आएगा।
तुम्हारी जिंदगी कोई खेल नहीं है, मेरा दिल कोई पत्थर का नहीं है, समझे? बंदा खैर खैरियत के लिए एक फोन ही कर लेता है, तुम्हें तो जरा भी एहसास नहीं है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। क्या हुआ टूर? खामोश, मुझे टोको मत, तुम ज्यादा ही ओवर हो गए हो। तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वो बोलोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी, और तुम शर्मिंदा होगी और मैं देखती रहूंगी। हाँ, मिस्टर मुराद को सहारा अच्छा नहीं लगता, लोगों के दरमियान लाइन का फर्क रखते हैं हमारे मिस्टर मुराद। मैं तुम्हारी उन लाइनों को उजाड़ के रख दूंगी मुराद सर सलमास। काम डाउन टूवल, गुस्सा मत करो। भाई मैं गुस्सा क्यों ना करूं? जरा देखो तो मेरी हालत, सोने के लिए लेटी तो इधर करवट उधर करवट, जब नींद नहीं आई मुझे तो सोचा कि तुम्हारे घर जाऊं और जो मुंह में आए बोल दूं, और सीधा उठ के मैं तुम्हारे घर ही आ गई। वो तो तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ। हंसो मत, खामोश रहो। मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है कि कोई औरत इतनी रात गए मेरे घर में घुस आए। मुझे हक कर सकते हो? मैं गीला हो रहा हूँ। ओह वाओ, देख रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो तुम्हें अब मुझे हक कर लेना चाहिए। अच्छा किया तुम आ गई। और कुछ तुम्हें कहना है क्या? माफ कर दो मुझे। मुझे भी माफ कर देना। तो फिर मैं चलती हूँ। यार आप लोग कितने अच्छे हैं, मेरा इस तरह से वेलकम ये मेरे लाइक नहीं है, मैंने हमेशा यही चाहा था। हाय, आई कॉल यू। और आखिरकार मेरी अहमियत का पता चल गया है इस कंपनी के लोगों को। हाय। टाडा, मैं आ गई। ये तो सब ख्वाब लग रहा है। लाओ। सरप्राइज, इस ऑफिस की प्रिंसेस है टूवल मैडम, कोई मुकाबला नहीं कर सकता इनके डिजाइन क्यों है ड्रेसेस का। सिर्फ यही नहीं, मॉडल्स की खूबसूरती को बहुत अच्छे से जानती है ये। इन्होंने बहुत मॉडल्स को फेमस बनाया। चुप करो, मतलब ये सब तुम्हारा किया कराया था? माफ करना मुझे, मैंने 500 ड्रेसेस देखे हैं, एक भी ऐसा नहीं लगा जैसा तुम डिजाइन करती हो। प्लीज, कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ मैं तुमसे, अब माफ कर भी दो। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें दिल से बड़ी डिजाइनर मानती हूँ, और तुम तो जानती हो ना मेरी हालत कैसी है, और मेरा बेबी भी चाहता है कि उसकी मामा बहुत प्यारी लगे। ठीक है, जाओ, मुझे परेशान मत करो, मेरे लिए कॉफी ले आओ। और कॉफी लाने के बाद मेरे पास आओ, फिर कोई ड्रेस चूज कर लेना। और फिर? फिर उसके बाद शायद मैं सोचूं कि तुम्हारे उस ड्रेस के साथ क्या करना है मुझे। यस। आज मैं बहुत बड़ी पार्टी करूंगी, क्योंकि आज मुझे टूअल मैडम ने माफ कर दिया। जाओ जल्दी से कॉफी लेकर आओ। और अपने इन आदमियों को बोलो कि मुझे घर छोड़ के आएंगे, याद रखना सजा है ये। ये रही वो ड्राइंग्स जो आपने मंगवाई थी, यहाँ रख दो। और कुछ चाहिए? हयात, तो तुमने उस जॉब के बारे में कुछ सोचा जो कल तुम्हें ऑफर हुई थी? इस बात का आपको कैसे मालूम हुआ? उनके एचआर डिपार्टमेंट से मुझे सुबह कॉल आई थी, वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे। ब्रावो हयात प्रैक्टिस, बहुत तेजी से तुम तरक्की कर रही हो, लेकिन असिस्टेंट के तौर पर नहीं, वो चाहते हैं कि तुम उनकी ब्रांड की मॉडल बनो। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूं मुराद सर, मैं अपनी जिंदगी कैमरे के सामने आकर नहीं गुजारना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी के बाद जॉब से भी निकाल देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। गुड न्यूज है,
और वो गुड न्यूज ये है कि टूअल ने मुझे माफ कर दिया और वो मेरे कपड़े डिजाइन कर रही है। कैसी हो? मुझे तो पता ही नहीं चला तुम यहीं थी। अच्छा किया दीदम तुम यहाँ। मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम्हें तो पता है शादी की तैयारियां करनी है और इतने सारे काम है, सब मुझे ही करने हैं। तो बोलो क्या काम है मुझसे? असिस्टेंट चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, काम होता ही नहीं मुझसे, इसलिए मैं सोच रही थी कोई असिस्टेंट मिल जाए। हाँ, हयात मेरी असिस्टेंट बन सकती है, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। हयात के पास और भी बहुत से काम है दीदम, वो ऑलरेडी साटे के बॉस की असिस्टेंट है, तुम किसी और को तलाश कर लो। मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी नजर में ये ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी शादी की तैयारी के लिए मैं दीदम की खुशी खुशी मदद करूंगी। कितनी अच्छी हो तुम, हाय दिल चाह रहा है कि तुम्हें गले लगा लूं। आ जाओ गले लगो मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हयात, तुम बहुत अच्छी हो। क्यों नहीं दीदम मैडम, मेरी दुआ है कि हमेशा खुश रहें आप दोनों। कैसी हो मेरी बेटी? माफी मांगने आया हूं अपनी बेटी से। खुश रहो बेटा, ये देखो ये लो तुम्हारे 15,000 रुपए। फिल वक्त बेटा इतने ही पैसे जमा कर पाया तुम्हारे लिए, 5,000 रुपए कम है इसमें। बहुत शुक्रिया बाबा, मैं बहुत खुश हूँ आज। शुक्रिया मैं पैसों का नहीं बल्कि इस बात का कर रही हूँ कि आप टाइम निकाल कर मुझसे मिलने आए। देखो बेटा, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, मगर मैं क्या करता, परेशानियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है मुझे, मगर अब तुम्हारे साथ हूँ मैं। मगर मुझे तो लगता था कि... क्या लगता था तुम्हें? कि आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसा? आओ मेरी बेटी, तुम मेरी अकलौती बेटी हो मेरी जान, और एक बात याद रखना, आइंदा कभी इस तरह मत सोचना तुम। मेरी बेटी, मुझे तुम पर गुरूर है, नाज हो तुम मेरा, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। प्यार लफ्जों में कहां। टूवल मैडम मुझ पर एक मेहरबानी कर सकती हैं? मेरे लिए कफन डिजाइन कर दीजिए। अगर तुम फ्री हो तो कहीं घूमने चले हैंडसम, क्या कहते हो? कौन मुझे कह रही हो क्या? हम दोनों मिलकर एक कप चाय पी सकते हैं साथ में, जिससे तुम्हारे अंदर ताकत भी आ जाएगी। हाँ क्यों नहीं। तुम कहाँ और कब मिले थे बाबा से? देखो बात को बढ़ाना मत, ये सब अचानक हुआ। क्या अचानक हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बात बढ़ा रही?